भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की मजबूती के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। भाजपा ने पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संकल्प लिया तथा 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के दम पर भाजपा दोबारा प्रदेश में सत्ता हासिल करेगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र और राज्य सरकार सहित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता ने गरीब व जरूरतमंदों की सहायता की है। भाजपा ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने की अपील कार्यकर्ताओं से की है। आज हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय कुलदीप जी हमारे बागेश्वर जिले के जो दोनों विधानसभा है इस विधानसभाओं की विधानसभावार बैठक उन्होंने उनके द्वारा की गई सुबह कपकोट और अभी शाम के वक्त बागेश्वर विधानसभा की बैठक हुई जिसमें हमारे संगठनात्मक कई कार्यों पर कई विषय पर चर्चा उनके द्वारा की गई है और संगठन को चुस्त दुरुस्त करने हेतु माननीय महामंत्री जी का बागेश्वर आगमन भी था और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी के नेतृत्व में हम इस वैश्विक महामारी के समय भी हमारा कार्यकर्ता जहाँ एक और गाँव का जाकर घर घर जाकर आम गरीब व्यक्ति के साथ खड़ा होकर कार्य करा उन सबके लिए भी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने पर आदरणीय महामंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर यहाँ पहुँचे थे और हमारा सब लोगों का हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति हर गांव गरीब किसान के साथ खड़ी है और इस वैश्विक महामारी के समय भी हम लोग लगातार और भी जो भी इस बागेश्वर जनपद के लोगों को हमारी पार्टी की हमारे संगठन की जहाँ पर आवश्यकता होगी हम लोग खड़े हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के बागेश्वर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक इसमें प्रदेश के हमारे महामंत्री हमारे पूर्व विधायक कुलदीप जी और हमारे यहाँ के संयोजक और जिले प्रदेश के मंत्री राजेंद्र बिष्ट जी और अपने जिले के नवनियुक्त प्रभारी पूर्व जिलाध्यक्ष नैनीताल देवेन ढेला जी और अपने जिला जी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज के कार्यक्रम हुआ था। इसमें कोरोना काल में हम लोगों ने संगठन ने संस्थाओं ने हमारे यहाँ मोर्चों ने क्या क्या काम किए इस पर समीक्षा की गई। दूसरा बूथों का गठन हुआ नहीं हुआ इसकी समीक्षा की गई और हम प्रत्येक बूथ को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना चाह रहे हैं ताकि डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उससे हम वर्चुअल रैलियों के माध्यम से डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम अपने मीडिया को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम प्रथम चरण में आज की बैठक में हम अपने शक्ति केंद्रों के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप हमारे आज बन गए हैं और पूरा प्रयास है कि हम प्रत्येक बूथ पर अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना के हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को संस्था के कार्यक्रमों को पार्टी के कार्यक्रमों को और सरकार द्वारा किए गए कार्यक्रमों का हम प्रसारण प्रचार और प्रसारण हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने प्रत्येक बूथ में हम करेंगे ऐसा प्रयास हमारी ओर से आज किया है और सभी हमारे जिले के पदाधिकारी हमारे मंडलों के अध्यक्ष हमारे उपाध्यक्ष सहित और जिला पंचायतों के सदस्य सहित लगभग 25 लोग हमारे अपेक्षित आज यहाँ पर थे सबकी उपस्थिति हुई। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। मैं कुलदीप कुमार प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्रियों का 17 की 17 विधानसभाओं में भ्रमण कार्यक्रम है और कोरोना जैसी महामारी में अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए हम लोग विधानसभा के ऊपर कुछ सिलेक्टिव कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। कोरोना महामारी में हम क्या कर सकते हैं किस प्रकार से हम जनता की मदद कर सकते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार और कोविड-19 को लेकर के जितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस जारी हुई हैं उनका अनुपालन करते हुए हम लोग हर विधानसभा में छोटी बैठक 10 से 15 लोगों की 15 से 20 लोगों की कर रहे हैं और इसमें कोरोना महामारी में किस प्रकार से जनता के बीच में जाकर के अवेयरनेस फैलानी है और किस प्रकार से इस संघर्ष में आम जनता को अवेयर करके इस संघर्ष से हम लोग बाहर निकलें इसको लेकर के हम बैठक कर रहे हैं। आगे की हमारी रणनीति यही है कि हमारे कार्यकर्ता अधिक से अधिक सेंटर बांटें मास्क बांटें और कोरोना महामारी से लोगों को अवेयर करें और जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उसकी चाहे भोजन पैकेट के रूप में या जो उसकी आवश्यकता है उसके लिए जो हमारे कार्यकर्ता यथायोग्य उसका सहयोग करें। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।